पिपिलीरे शेष होला तीनदिनिया राज्यस्तरीय शिशु संपर्क यात्रा। गत 20 तारीख रे पुरीठारे कार्यक्रम उद्घाटन होबा परे परवर्ती दिन मानक डेलांग कणास एवं आज पिपिलीठारे कार्यक्रम थिला शेष दिन। आयोग अध्यक्ष सुश्री संध्यावती प्रधान अध्यक्षतार आयोजित एक कार्यक्रम में पूरी जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी, जिला समाज मंगल अधिकारी पुष्पांजलि महापात्र, शिशु कल्याण कमिटी सदस्य रमाशंकर पात्र, पुलिस अधिकारी इंद्रमणि बेहरा, पिपिलीर अतिरिक्त तहसीलदार नीलकंठ बेहरा, विडिओ क्षीरोद प्रधान, सीडीपीओ शुभलक्ष्मी पटनायक, ब्लॉक उपाध्यक्ष युधिष्ठिर स्वयं प्रमुख अतिथि भाव में जोग देते। से समय रे ए कोविड रो सरकार को जो नियमावली थिला से नियमावली सदस्य नियमावली पालन सदस्य आमे माने समस्ते घरे रहुतिले आईन कानून को पालन करिकि घरे चलुतिले। काई सब प्रतिशत भाव रे आम जिल्ला रे आमे कोरोना महामारी की प्रतिहत कर परछे, किंतु एटी आयोग मन में प्रश्न आसी जे कोरोना महामारी समय रे किसी शिशु पाखे मन पिछले पूरी जिला गस्त कर पूरी जिलार समस्त सेंटर को बुले कलेक्टर सार सहित आलोचना कर सब पिला सहित मिशी जगे समय अनेक दुकान बजार बंद था बिना वस्त्र आवश्यकता था जोटा कि आयोग तरफ स्वतंत्र भाव कलेक्शन कर आयोग संपूर्ण संपर्क स्थापन था जिला सहित जेहेतु से समय पिलाशु को आम अधिक प्राधान्य देते। पिपिली पुलिस स्टेशन सहित छतुआ प्रस्तुति केन्द्र परिदर्शन करिथिला। कोविड परवर्ती स्थिति रे पिलांक अवस्थार अनुधान पई ओडिसा शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षरु शिशु संपर्क यात्रा एवं अभियोग सुनानी कार्यक्रम पिपिल ब्लॉक सभागृह रे अनुष्ठित होइथिला। आज शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग तांकर कार्यक्रम एटी शिशु संपर्क एवं अभियोग सुनानी कार्यक्रम आरंभ करछंती पिपिली ब्लॉक रे। प्रथमे जिला स्तर में 20 तारीख आरंभ होता 21 डेलांग ब्लॉक रे होता आज सका कणास उपरला आम पिपिली ब्लॉक रे से कार्यक्रम चली बर्तमान ना आम जो अभियोग गुड़ाक अच्छी वर्तमान शुणाणी चली जो अभियोग जार जो असुविधा अच्छी जो शिशुर किसी असुविधा अच्छी किए थालेसेमिया अच्छा किए हैंडिकेप्ड अच्छा कि कौ शिशु कौन चिकित्सा दरकार पड़ी से सब अभियोग करमिशन शुणिकी विहित पदक्षेप ग्रहण करने विभाग अधिकारी को निर्देश अवहेलित एवं अपहंच शिशु मान विकास निम्ते सचेतनता सृष्टि एवं वर्तमान परिस्थित पिला सहित जोड़े सहित सेमानको आवश्यक मुताबक सहायता पहुंचाइबा अभियान थिला मूल लक्ष्य। यह अभियान द्वारा पिलांक अधिकार सुरक्षा को बल मिलिबा सहित आत्मविश्वास बढ़िबो एवं सेमानको पाखकु आवश्यक साधन पहुंचि परिबो बोली कहिथिले अध्यक्ष। यह हूँ राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग एक अभिनव प्रयास। यह पूरी जिले में शिशु संपर्क यात्रा नाम एक अभियान आरंभ हो सारा राज्यर समस्त पिला केमती जोड़ी हेबे आर समस्या संपर्क में सीधा सड़क भाव में कमिशन आगे रखिबे कथा रखिबे कमिशन तार शुणाणी कर पूरी जिलार आरंभ हो शुभ उद्घाटन हो 20 तारीख से यह सारा राज्य में 30 जाक जिले में कार्यक्रम कर शिशु संपर्क यात्रा से पिला जहाँ समस्या रही जेहेतु कोविड समय रे पिलामाने अधिक आक्रांत होते क्षतिग्रस्त होते तार परिवार माने क्षतिग्रस्त होते परिवार माने जो क्षतिग्रस्त हूँ पिला जो प्रभाव पड़े और से मानसिक स्थिति क्षतिग्रस्त होतीर जो आर्थिक समस्या अच्छी से पिलामाने विशेषकर क्षतिग्रस्त होते कोविड रे आक्रांत न होते पारिवारिक परिवार जो क्षतिग्रस्त होता बापा माँ मैंने जो क्षतिग्रस्त होतीपाई कमिशन रो एक प्रयास पूरी जिले में आरंभ हो पूरी जिलार पूरी
ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶୈଶବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି କମିଶନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଆଜି ପିପିଲିରେ 10 ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମୋଟ 10 ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମା ଓ ଶିଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। କମିଶନର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଶାଶ୍ୱତୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଣପୁରଠାରେ ଥିବା ମା ଚମ୍ପାଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛତୁଆ ଏବଂ ଲଡ଼ୁକୁ ଚାଖି ମାନ ପରଖି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିପିଲି ଥାନା ଯାଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳ, ଆଇଆଇସି ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ 22 ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 5 ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।